हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मल्टीप्लिकेशन का एक नया तरीका। बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, वैदिक मैथ्स में सिखाया जाता है। ये वैदिक मैथ्स अगर आप सीखते हो तो उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करने का जो तरीका बताया जाता है, मैं आज वो बताऊंगा। इस तरीके की खास बात यह है, एक तो मल्टीप्लीकेशन आपकी बहुत आसानी से हो जाती है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में आप काफी ज्यादा टाइम बचा सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आप लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आपस में मल्टीप्लाई कर पाओगे कम से कम टाइम में। और एक फायदा ये भी होगा, अगर आपसे एक्स की किसी पावर का कोएफिशिएंट पूछ लिया जाए तो बहुत आसानी से आप डायरेक्टली बता सकते हो, पूरी कैलकुलेशन किए बिना डायरेक्टली आप उसका आंसर बता पाओगे। तीसरी चीज, अगर आपको यूनिट डिजिट पूछी जाए आपसे, लास्ट टू डिजिट्स पूछी जाए, लास्ट थ्री डिजिट्स पूछी जाए किसी नंबर की, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो वो भी। और एग्जाम में क्या होता है, चार ऑप्शन रहते हैं। कई बार क्या होता है, जब लंबी लंबी मल्टीप्लीकेशन आती है तो हम लास्ट डिजिट से चेक कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट मैच कर रही है नहीं कर रही है, लास्ट टू डिजिट्स मैच कर रही है नहीं कर रही है हमारे आंसर से। तो उसमें भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं जिससे कि हमें पूरी मल्टीप्लीकेशन ना करनी पड़े। तो देखते हैं कैसे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये आपको सीखना जरूरी है, सीख लोगे तो एग्जाम में टाइम बचा सकते हो। तो शुरू करते हैं। टू डिजिट्स नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है 52 को 24 में, ठीक है। एक तो बेसिक तरीका होता है कि हम बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 4 से 52 को मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिखा, फिर क्रॉस लगाया, फिर 2 से 52 को मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिखा और उन्हें ऐड कर दिया। एक तो ये तरीका हो गया। अब हम जो दूसरा तरीका है वो सीखते हैं कि वैदिक मैथ्स में किस तरह से अप्लाई करते हैं। जैसे 52 को लिख लिया हमने, ऐसे थोड़ा स्पेस बना के लिख रहा हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ लिख दिया 24, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 4 कितना होता है, 8। यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, यूनिट डिजिट आ गई हमारी। अब हमें क्या करना है, सेकंड लास्ट डिजिट के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपस में ऐड करना है। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। इसे ऐड कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 24। 4 एज इट इज लिख देते हैं, 2 कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 2 में ऐड कर दिया 10 को, क्योंकि 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड था, तो ये हो जाएगा 12। 12 एज इट इज यहाँ पे आ गया और हमारा आंसर आ गया 1248 आंसर होगा अगर 52 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत टाइम बचा सकते हो आप, क्योंकि कम टाइम में हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन कम करनी है और हमें एक लाइन में हमारा आंसर आ रहा है। और एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, मतलब आप लास्ट में कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो, लास्ट में इस तरह की कैलकुलेशन आ जाती है 52 into 24, तो आपको क्या करना है, चार ऑप्शन चेक करने जल्दी से। आपको सीधा देखनी है लास्ट डिजिट चार ऑप्शन की सेम है या अलग है। अगर लास्ट यूनिट डिजिट चार ऑप्शन की अलग है, डायरेक्टली आपने देखा 2 इंटू 4 होता है 8, 8 यहाँ पे लिखा हमने, जिस भी ऑप्शन की यूनिट डिजिट 8 होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, काम खत्म, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने देखा कि एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे हैं जिसकी लास्ट डिजिट 8 है, तो फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना है, 8 यहाँ पे लिख दिया, 5 इंटू 4 करना है, 5 इंटू 4 करा, 2 इंटू 2 करा, इन्हें आपस में ऐड करा, यहाँ पे 8 आया हुआ था, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 2 4, 20 प्लस 4 24, तो डिजिट क्या बचेगी, 4 बचेगी, 2 कैरी फॉरवर्ड होना है। तो लास्ट सेकंड डिजिट से भी आप चेक कर सकते हो कि लास्ट सेकंड डिजिट अगर 48 है तो ही आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और आगे आगे बड़े बड़े नंबर्स देखेंगे उनमें भी किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक अप्रोच हो गई मल्टीप्लीकेशन को करने की। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमें नंबर दिया गया हो 47 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना हो 61 से, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 1 7 आ जाएगा, 4 को 1 से करेंगे, फिर 6 को 7 से करेंगे, 6 7 जा 42, 4 इंटू 1 4, 62 प्लस 4 ये हो गया 46, 6 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 4 जा 24 प्लस 4 28 हो गया, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 28, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आ रहा है। आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको पैटर्न का ध्यान रखना है। पहले हमने ऐसे मल्टीप्लाई करा टू डिजिट में, फिर क्रॉस बनाया, फिर ऐसे कर दिया, सिमिट्री हो गया हमेशा। अब आगे देखते हैं और थ्री डिजिट में भी देखेंगे। पहले अब हम देखते हैं इस मेथड को यूज करके कैसे लीनियर इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 5x + 2 और x + 3, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, x की सबसे बड़ी पावर देखनी है दोनों इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 ही होगी, तो यहाँ पे लिख दिया x, और x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर को 1 घटाया तो x की पावर 0 होगी, x की पावर 0 होगी तो कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में देखेंगे और x का जो भी कोफिशियंट होगा वो उसके नीचे लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में अगर x का कोफिशियंट कहें तो ये होगा 5, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशियंट होगा 1। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म्स लिख देते हैं दोनों, फर्स्ट इक्वेशन में थी 2, सेकंड इक्वेशन में थी 3, ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, x
की पावर वन है, अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स से, यहाँ पे भी एक्स की पावर वन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करता हूँ मैं आपस में, तो एक्स की मैक्सिमम पावर टू तक जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स की पावर टू लिखा, फिर एक्स की पावर घटाते चलो, एक्स की पावर वन और एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो क्या होगी, कॉन्स्टेंट टर्म होगी, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं। अब वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की पावर वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स की पावर टू की वैल्यू क्या होगी और कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगी। कॉन्स्टेंट टर्म के लिए क्या करना है, यूनिट लास्ट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। टू को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री से, टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा सिक्स, सिक्स आ गया यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम मल्टीप्लीकेशन में करते थे, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, टू इंटू वन टू, इन दोनों को ऐड करा ये हो गया सेवनटीन। अब पहले क्या करते थे हम, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन वन को कैरी फॉरवर्ड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे वन को कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि वो एक्स की पावर वन का कोफिशियंट है ये, तो एक्स की पावर वन का कोफिशियंट एक्जैक्टली सेवनटीन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया सेवनटीन, और एक्स की पावर टू का कोफिशियंट निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइव और वन को, फाइव इंटू वन कितना हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन बन जाएगी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स प्लस सिक्स। 5x plus 2 into x plus 3 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5x square plus 17x plus 6, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझ के देख लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं हम 7x plus 1 into 8x plus 3, ठीक है। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है, क्या करना था, मैंने क्या कहा था, पहले x लिखा, यहाँ पे कोफिशियंट लिखा, यहाँ पे x के नीचे क्या लिख देंगे, x के कोफिशियंट्स की वैल्यू 7 और 8, यहाँ पे लिख देंगे कॉन्स्टेंट टर्म्स, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप करोगे तो डायरेक्टली कर सकते हो, आपको पता है कि इसका कोफिशियंट ये है और इसकी कॉन्स्टेंट टर्म्स ये हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करते थे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर वन और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म आती थी, कॉन्स्टेंट टर्म का कोफिशियंट क्या हो जाएगा वन इंटू थ्री थ्री, एक्स की पावर वन का कोफिशियंट सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन प्लस एट, ट्वेंटी वन प्लस एट ट्वेंटी नाइन, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट सेवन इंटू एट, सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स। तो इक्वेशन हो जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 56x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद x का कोफिशियंट क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्स्टेंट टर्म नहीं निकालनी, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको क्या करना है, डायरेक्टली 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। इसी से तो आ जाता है हमारा x की पावर का कोफिशियंट, x की पावर 1 का कोफिशियंट इसी से आ जाएगा, जो आ जाएगा 29। तो डायरेक्टली आप बता सकते हो, इस तरह अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, 7 इंटू 8 करा 56, यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, इस तरह से समझ सकते हो। अब थ्री डिजिट नंबर की तरफ बढ़ते हैं, टू डिजिट नंबर्स की हमने सारी बातें कर ली, ये दो थ्री डिजिट नंबर हैं 321 और 214, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, जो हमने अभी तरीका सीखा वही तरीका यूज होगा, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, पैटर्न थोड़े से एक्स्ट्रा बनेंगे। क्या करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे, वन में मल्टीप्लाई कर देंगे फोर को, जैसे हम पहले करते थे, वन इंटू फोर कितना हो जाएगा फोर, वो एक्जेक्टली यहाँ पे लिख दिया, वन इंटू फोर पूरा लिख के दिखा देता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, आपको क्लियर होती रहे, ठीक है। अब सेकंड लास्ट डिजिट के लिए क्या करेंगे, टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और वन को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू इंटू फोर कितना हो जाएगा एट प्लस वन इंटू वन कितना हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा नाइन, एक डिजिट है डायरेक्टली लिख देंगे नाइन। अगर इन दोनों मल्टीप्लीकेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो लास्ट टू डिजिट्स अगर आपसे पूछे जाए तो डायरेक्टली आप यहीं से निकाल दोगे कि 94 आएगी इसकी लास्ट टू डिजिट्स, तो ठीक है। तो नंबर सिस्टम चैप्टर में आप यूज कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। लास्ट थ्री डिजिट्स पूछ ली जाए तो क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं, और बाकी पूरा तो सोल्व हमें करना ही है। अब थर्ड डिजिट निकालने के लिए क्या करना है, हमने थ्री को मल्टीप्लाई करना है फोर से, टू को मल्टीप्लाई करना है वन से, और इस टू को मल्टीप्लाई करना है वन से। पहले क्या करा, थ्री इंटू फोर करा, फिर उसमें ऐड कर दिया टू इंटू वन, फिर उसमें ऐड कर दिया टू इंटू वन, कितना हो जाएगा थ्री फोर जो हो जाएगा ट्वेल्व प्लस टू प्लस टू, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन, ठीक है। दो डिजिट का है तो सिक्स यहां पे एडिट लिख देंगे, वन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगली कैलकुलेशन के लिए, तो आगे लिख देते हैं वन प्लस। लास्ट थ्री डिजिट हमारी आ गई है, अब आगे देखते हैं आगे कैसे सोल्व करना है। अब एक बार आप लास्ट डिजिट तक पहुंच गए तो इससे पुराना पैटर्न रिपीट करना लगेगा, जो सेकंड डिजिट के लिए हमने पैटर्न यूज किया था वही पैटर्न अब आगे यूज होगा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बस पैटर्न, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, वन में ऐड करना है क्योंकि वन हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो इसमें ऐड कर देंगे थ्री इंटू वन प्लस टू इंटू टू, ये हो जाएगा वन प्लस थ्री प्लस फोर, ये हो जाएगा एट, यहाँ पे आ जाएगा एट। अब लास्ट डिजिट के लिए क्या करेंगे,
थ्री में मल्टीप्लाई कर देंगे टू को, क्योंकि रिपीट करना है, हमने एक एक डिजिट की मल्टीप्लीकेशन से स्टार्ट किया था और एक एक डिजिट की मल्टीप्लीकेशन पे ही खत्म करना है पूरे प्रोसेस को। थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा, सिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थ्री टू वन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 214 से तो हमारा आंसर आता है 68694। बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हो, एक्सप्लेन करने में सारी चीजें बतानी पड़ती हैं तो टाइम लगता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है 321 को 72 से। अभी हमने जो मेथड सीखा था उसमें क्या था, दोनों मल्टीप्लिकेंट्स तीन तीन डिजिट के थे। यहाँ पे क्या है, एक मल्टीप्लिकेंट तीन डिजिट का है, एक मल्टीप्लिकेंट दो डिजिट का है, तो क्या करेंगे तीन डिजिट का बना लेते हैं, जीरो ऐड कर देते हैं। सेम ही पैटर्न से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वन इंटू टू कितना हो जाएगा टू, यूनिट डिजिट आ गई टू। फिर क्या करेंगे, टू इंटू टू, वन इंटू सेवन, टू इंटू टू फोर हो गया, प्लस वन इंटू सेवन कितना हो गया सेवन, फोर प्लस सेवन इलेवन, वन हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब क्या करेंगे थर्ड डिजिट के लिए, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऐड करेंगे जीरो इंटू वन और उसमें ऐड करेंगे टू इंटू सेवन, तो थ्री इंटू टू तो हो जाएगा सिक्स, प्लस जीरो इंटू वन हो जाएगा जीरो, प्लस टू इंटू सेवन हो जाएगा फोर्टीन, फोर्टीन प्लस सिक्स प्लस वन हो जाएगा ट्वेंटी वन, वन एज इट इज आ जाएगा, टू कैरी फॉरवर्ड हो गया। प्लस अब क्या करना है, लेफ्ट साइड मूव कर जाएंगे, थ्री इंटू सेवन करेंगे, टू इंटू जीरो करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा, थ्री इंटू सेवन कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन, यहाँ आ गया ट्वेंटी वन प्लस टू ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री एज इट इज लिख देंगे। क्यों एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, बाद में थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो में टू कैरी फॉरवर्ड होता हमारा, टू आगे लिखते बात वही पड़ेगी, तो ये हो जाएगा टू थ्री वन वन टू, ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर 321 को 72 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपसे डायरेक्टली चार ऑप्शन होते और चारों यूनिट डिजिट अलग होते तो डायरेक्टली आप यहीं तक कैलकुलेशन करते आपका आंसर आ जाता। दो डिजिट चेक करते, दो डिजिट अगर अलग अलग होती तो बस इतना करते यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता। तो बहुत ही अगर चीजों को सही तरीके से पढ़ा जाए तो चीजें आसान होती हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट सबसे आसान होता है। कैलकुलेटिव पेपर कितना भी बन जाए अगर आपको कैलकुलेशन की ट्रिक्स पता है तो बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे यूज कर सकते हैं हम इसे। इक्वेशंस दी गई हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स लिखेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे क्योंकि एक पावर घटाते जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट फर्स्ट इक्वेशन में वन है, सेकेंड इक्वेशन में टू है, इसी तरह एक्स का कोफिशियंट फाइव है, यहाँ पे वन है और कॉन्स्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में टू है और सेकेंड इक्वेशन में थ्री है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स की पावर फोर आती है, मैक्सिमम एक्स की पावर फोर आएगी, तो ये हो गया एक्स की पावर फोर, एक एक घटा दो, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर वन और एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म होगी हमारी, सी लिख देते हैं। कॉन्स्टेंट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, टू को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, टू इंटू थ्री हो गया सिक्स। एक्स की पावर वन निकालने के लिए फाइव इंटू थ्री प्लस वन इंटू टू, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन, तो यहाँ पे एग्जैक्टली लिख देंगे 17, क्योंकि कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, हम x की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालना है। x की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू थ्री, 2 इंटू टू और 5 इंटू वन, जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं वही फॉलो करना है। 2 इंटू टू कितना हो जाएगा 4, 1 इंटू थ्री कितना हो जाएगा 3, 5 इंटू वन कितना हो जाएगा 5, 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 12। अब हमें निकालना है एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट, तो लेफ्ट मूव कर जाएंगे, वन इंटू वन प्लस टू इंटू फाइव, वन इंटू वन वन, टू इंटू फाइव टेन, वन प्लस टेन हो जाएगा इलेवन, यहाँ पर एक्स क्यूब का ऑप्शन आ जाएगा इलेवन। अब हमें क्या करना है, एक्स की पावर फोर का ऑप्शन निकालना है, तो वन में मल्टीप्लाई कर देंगे टू को, वन इंटू टू हो जाएगा टू, हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स की पावर फोर, टू एक्स की पावर फोर प्लस इलेवन एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स प्लस सिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। डायरेक्टली कर सकते हो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इसमें बताने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता। देखते हैं आगे, हमें मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। डायरेक्टली देते हैं, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, x की पावर 4 से स्टार्ट होगा, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म 3 इंटू 5 15, एक्स की पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, 1 इंटू 3 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, एक्स का कोफिशियंट आ गया माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निकालना है, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 3 3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा 13 माइनस 1 12,
तो यहां पे आ जाएगा 12। अब क्या करना है, एक्स क्यूब का कोफिशियंट निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, एक्स की पावर 4 के कोफिशियंट के लिए 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2। इक्वेशन बन जाएगी 2 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। बाकी अगर मैं इस तरह की इक्वेशन दे दूं आपसे, कहूँ कोफिशियंट बता दो एक्स की पावर 3 का, निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, एक्स की पावर 3 का कोफिशियंट निकालने के लिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड करना है, एक्स की पावर 3 का डायरेक्टली आप कोफिशियंट बता सकते हो। इसी तरह कोई सा भी कोफिशियंट पूछ लिया जाए आपसे, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछ लिया जाए, एक्स का कोफिशियंट पूछ लिया जाए, पूरी मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको एक स्टेप पे जाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद रखनी है, किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं और यही आपका एग्जाम में टाइम बचाएंगी। आज के लेक्चर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 1 में। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है। क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 0x स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं, इस वाली x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हम करते थे वैसे ही कर लेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट यहाँ लिखेंगे x और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कोफिशियंट 1, दूसरी इक्वेशन में है 0। इस इक्वेशन में x का कोफिशियंट 5, दूसरी में 1। इसमें x को, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है 2 और उसमें है 1। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी जा सकती है, अगर आप मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर को x से तो x क्यूब तक मैक्सिमम जा सकता है। 0x स्क्वायर है, x 4 लिखोगे, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद x 4 का कोफिशियंट 0 ही आ जाएगा। तो x क्यूब से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, x क्यूब, x स्क्वायर, x और कॉन्स्टेंट टर्म, चार चीजें रहेंगी हमारी फाइनल इक्वेशन में। x के लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म के लिए क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, x के कोफिशियंट के लिए 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 7। x स्क्वायर के कोफिशियंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और तीनों को ऐड कर देंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 1 5 ये हो जाएगा 6। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आ गया 6। एक्स क्यूब के कोफिशियंट के लिए क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और ऐड कर देंगे, तो ये 1 ही बचेगा। ठीक है, एक्स की पावर 4 करेंगे तो 1 इंटू 0 करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, इसलिए हमने एक्स की पावर 4 लिखी ही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम एक्स की पावर 3 तक ही हमारा आंसर जाता है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। जितना ज्यादा आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप बेहतर होते जाओगे इस तरह के क्वेश्चंस करने में। इस तरह से ये अप्रोच आपके माइंड में सेट हो जाएगा, जैसे कि बेसिक अप्रोच हमारे बचपन से माइंड में सेट हुआ हुआ आया है, इस अप्रोच को भी आपको अपने माइंड में सेट करना है, तभी आप एग्जाम में अपना टाइम बचा पाओगे। प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप बेटर होते रहोगे। आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में ये हमारी वीडियो आई थी, और भी बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप जाके देख सकते हो, जहां से मन करे वहां से देखो। कॉन्सेप्ट को बस अच्छे से समझते चलो, जिससे कि कोई भी आगे तक दिक्कत ना आए। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो।